विदिशा जिले के ग्राम पठारी में प्रभारी तहसीलदार ने अवैध पत्थर परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर पकड़े, जिन पर प्रकरण दर्ज कर जुर्माना कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी के पास भेजा। पठारी प्रभारी तहसीलदार सैयद परवेज अली ने बताया कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत टीम गठित कर अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम बढ़ो के समीप दो ट्रैक्टर पत्थर परिवहन कर रहे थे, चालक से पत्थर रॉयल्टी और अन्य दस्तावेज मांगे गए। वह वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे, जिन पर अवैध पत्थर परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसका प्रकरण कुरवाई अनुविभागीय अधिकारी के पास जुर्माना के लिए भेजा गया है। कुरवाई पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। आज तहसील पठारी क्षेत्र अंतर्गत अवैध परिवहन की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि चुनाव में व्यवस्था के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। आज जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, मेरे द्वारा ग्राम बड़ो के क्षेत्र में जाकर दो ट्रॉलियां जो पत्थरों से भरी हुई थी मौके पर जब्त की हैं। उनसे ड्राइवरों से जब इसके बारे में रॉयल्टी के बारे में पूछा गया, तो उनके द्वारा कोई रॉयल्टी दिखाई नहीं गई, ना ही वैध कागज कोई प्राप्त हुए, जिसे मौके पर जब्त कर तहसील कार्यालय में पहुँचा दिया गया है और उन पर जो प्रकरण पंजीबद्ध कर SDM महोदय को जुर्माने के लिए भेज